students, today we are going to start our new course of class 6, that is Cody Patrick's Homework. The writer of this course is Carol Morey. So let's start with our first paragraph. Patrick never did homework too boring, he said. पैट्रिक जो था एक एक्टिव बॉय था जिसको आउटडोर गेम्स पसंद थी जैसे हॉकी बास्केटबॉल और जो पैट्रिक था उसको होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था उसके लिए होमवर्क एक बोरिंग काम था। He played hockey and basketball and Nintendo instead। उसको हॉकी खेलना पसंद था बास्केटबॉल एंड Nintendo। Nintendo का मतलब होता है एक वीडियो गेम होती है Nintendo। His teachers told him, Patrick, do your homework or you wouldn't learn nothing. अब उसके टीचर्स क्या कहते थे पैट्रिक से? पैट्रिक अपना होमवर्क करो नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीखोगे. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. और ये सच भी था. ऐसा लगता था कभी कभी वो ignoramus है. Ignoramus means an ignorant person who lacks education. एक ignorant person होता है जिसको education का कुछ भी पता ना हो। But what could he do? He hated homework. लेकिन वो क्या करता? उसको homework से नफरत थी। Then one day he found his cat playing with a little dog and he grabbed it away. एक दिन उसने क्या देखा? उसकी cat किससे खेल रही थी? एक doll के साथ। और उसने उसको अपनी तरफ खींचा। To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the teenage size. वो हैरान हो गया, चौंक गया। उसने क्या देखा? वो एक गुड़िया नहीं थी, वो बल्कि एक छोटे साइज का इंसान था। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. उसने क्या देखा? उसको क्या पहना हुआ था? एक old-fashioned shirt डाली हुई थी और old-fashioned breeches. ब्रिचेस का मतलब क्या होता है? ब्रिचेस मीन्स शॉर्ट ट्राउजर्स, छोटे छोटे ट्राउजर्स होते हैं उनको हम ब्रिचेस कहते हैं। और क्या पहना था उसने? टाल हैट, जो कि किस तरह लग रही थी? जैसे जादूगरनिया कोई टोपी पहनती है उसकी तरह। He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat!" वो चिल्लाया, प्लीज मुझे बचाओ, मुझे इस बिल्ली को वापिस नहीं दे देना। I will grant you a wish, I promise you that. मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी कोई एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। कौन कहने लगा? जो छोटे साइज का वो इंसान था वो पैट्रिक से ऐसा कहने लगा। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक जो था उसको विश्वास नहीं होने लगा वो कितना लकी है। Here was the answer to all his problems. अब यहाँ पर उसको अपनी हर एक मुश्किल का जवाब मिल गया। So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that is 35 days, if you do a good enough job, I could even get A grade. अब उसने कहा कि अगर तुम मेरी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन निकालोगे, मेरा काम करोगे, जो कि कितने दिन के लिए होगा? 35 डेज के लिए। उसने उसका होमवर्क 35 डेज तक करना था। अगर तुमने अच्छा काम किया तो मुझे A grade मिलेगा। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. जो एक छोटे साइज का इंसान था उसका फेस जो कैसा हो गया? झुर्रियों के साथ ऐसा लग लगा जैसे झुर्रियां पड़ गई उसके फेस पे, और ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने एक कपड़े, जो बर्तन साफ करने का कपड़ा होता है वैसा कपड़ा किसी ने उसके हैम्पर पर फेंक दिया हो। डिशक्लॉथ, डिशक्लॉथ होता है एक क्लॉथ यूज फॉर वॉशिंग डिशेज, ऐसा कपड़ा होता है जो बर्तन धो के बर्तन को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। He kicked his legs and doubled his fists. उसने क्या किया? अपनी लेग्स को किक किया और अपनी मुट्ठी को डबल कर दिया। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। He grimaced and scowled and pursued his lips. अब उसने क्या किया? वो थोड़ा गुस्से में आ गया, चौंक गया और अपने लिप्स को सिकोड़ने लगा। Oh, am I cursed? But I will do it. ऐसा लगने लगा उसको कि शायद मैं इस चीज का पापी हूं तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, अपने वर्ड्स को लेके वो बिल्कुल सच था। फिर उसने क्या किया? एल्फ का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया।
एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, इसके अलावा वहां पर एक ग्लिच था। ग्लिच का मतलब क्या होता है? ग्लिच मीन्स अ फॉल्ट इन मशीन, एक फॉल्ट होता है मशीन में जिसकी वजह से जो मशीन है वो काम करना थोड़ा कम कर देती है, प्रॉपर काम नहीं कर सकती। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब जो एल्फ था उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, उसको क्या था, उसको हेल्प की जरूरत थी। हेल्प मी वो चिल्लाने लगा, मेरी मदद करो मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और जो पैट्रिक था उसको उसकी हेल्प करनी पड़ी किसी भी तरीके से। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट पैराग्राफ हम कल पढ़ेंगे। थैंक्स।